हेलो फ्रेंड, माइसेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज जो हमारा टॉपिक है वो शोल्डर सर्जरी है। काफ़ी दिनों बाद मैं इसका एक टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं वो इतने सारे यहाँ के शोल्डर पेन के लिए आते हैं, जिनको डायग्नोस रोटेटर कफ टियर किया गया जाता है या फिर MRI में उसमें लिखा गया होता है कि आपके रोटेटर कफ टियर भी है और सब एक्रोमियल बर्साइटिस भी है। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो सब एक्रोमियल बर्साइटिस है। तो सब का मीन्स क्या होता है, एक्रोमियम का मीन्स क्या होता है और बर्साइटिस का मीन्स क्या होता है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो अगर आप ये वाले एरिया को देखेंगे या ये दोनों शोल्डर को देखेंगे तो सब का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे, और एक्रोमियन क्या है, एक बोन का पार्ट होता है। एक्रोमियन कौन सा, ये एक बोन है एक्रोमियन। तो जैसे आप देखते हो ना, एक पूरा कर्व है बॉडी का, ये देख रहे हो, ये कर्व है बॉडी का, जैसे पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है, तो जो ये वाला पार्ट है वो एक्रोमियन है। तो इसके नीचे वाला पार्ट होता है बर्सा। तो इसके जस्ट नीचे जब किसी को दर्द होता है तो उसको सब एक्रोमियल बर्साइटिस बोलते हैं। ये दर्द काफ़ी लोगों में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि ये बोन है ऊपर की पार्ट, उससे जब ये जो बर्सा है रगड़ खाता है, मतलब इंजरी होती है उसको, या फिर जब भी शोल्डर को ऊपर उठाते हैं तो ये बर्सा उससे हिट होता है, और जब भी कहीं पर भी ज़्यादा फोर्स लगती है या फिर बोन के अंदर कुछ भी स्पाइक्स इररेगुलरिटी आ जाती है तो ये बर्सा को इरिटेशन होता है। या फिर कुछ जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर स्विमर होते हैं जिनमें ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है और बार बार रिपीटेड मूवमेंट में ये पार्ट इसको हिट कर रहा होता है, ऐसे लोगों को ये सब एक्रोमियल बर्साइटिस की सिम्टम जो होते हैं उनके दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं। जब ये लोग थोड़े से ओल्ड एज में होते हैं और रिपीटेड इंजरी होती है तो उनके साथ रोटेटर कफ टियर हो जाता है, क्योंकि रोटेटर कफ का मीन्स क्या होता है, जो शोल्डर को रोटेट करता है ऐसे, और कफ का मीन्स एक टोटल एक बंच, और टियर का मीन्स छेद। तो जब भी इस बर्सा के साथ वो भी टूट जाता है तो कहा जाता है रोटेटर कफ टियर विद सब एक्रोमियल बर्साइटिस विद एक्रोमियन ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये तीन पार्ट जो होते हैं ओल्ड एज में आते हैं, शुरू यंग एज में ज़्यादातर सब एक्रोमियल बर्साइटिस होती है। तो ये मैंने बताया कि ये कैसे प्रेजेंट करता है, कौन सा एरिया होता है, किस लोगों में ज़्यादा प्रेजेंट करता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी से, फिजियोथेरेपी का मतलब क्या होता है, रेस्ट और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और इसको जो करना है जिससे बढ़ता है उसको अवॉइड कर ये चीज़ बेटर हो जाती है। क्यों बेटर हो जाती है, जैसे ही रेस्ट करते हैं या फिर कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसको स्पेस मिल जाती है और सूजन कम हो जाती है और पेशेंट का दर्द कम हो जाता है और दवाई खाते हैं उससे भी कम हो जाता है। कुछ लोग जब इससे आराम नहीं हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, तब हम उनको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, कोई आगे से कोई पीछे से। वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन एक टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट के पेन को जो है रिलीफ देता है, और उसके बाद धीरे धीरे सूजन कम हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। यूजुअली एक इंजेक्शन से काफ़ी बेटर हो जाते हैं, अगर नहीं होता तो मैक्सिमम एक इंजेक्शन और दे देते हैं, और फिर भी हो जाता है तो फिर हम उनका अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक बार अच्छे से दोबारा इवेल्यूएट करके उस पार्ट को देखते हैं कि उसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ज़्यादातर ये लोग अलोन जो चीज़ होती है, जिनको कोई चोट नहीं लगी होती, सिर्फ रिपीटेड ऑक्यूपेशन के कारण, सेम मूवमेंट अलग अलग करने के कारण या स्विमिंग के कारण जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। रेस्ट का उनको ज़्यादा ध्यान रखना होता है और जो एक्टिविटी है उसको स्लो एंड स्टडी के साथ बढ़ाना होता है तो वो ठीक हो जाते हैं, और ट्रीटमेंट के बेस पर उनको इंजेक्शन मिल जाता है और कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं। उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो इवेल्यूएट करके हम फर्दर अल्ट्रासाउंड गाइडेड या फिर MRI के द्वारा जो भी चीज़ बसी होती है उसको इवेल्यूएट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है शोल्डर के दर्द की, सब एक्रोमियल बर्साइटिस जो कॉमनली फाइंडिंग MRI में, एक्सरे में या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड किसी भी रिपोर्ट में देखकर उनको बताया जाता है, वो मैंने बता दिया कि सब एक्रोमियल बर्साइटिस का ट्रीटमेंट ज़्यादातर ऐसे ठीक हो जाता है। हमारे पास फिजियोथेरेपी जब देखते हैं तो ज़्यादातर वो इसको कहकर, उनको स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बल्कि लोग होते हैं उन लोगों को ज़्यादा होता है, और ओल्ड एज वालों को हम कहते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट करो, ये सूजन कम होगी तो काफ़ी दर्द कम हो जाएगा आपका। धन्यवाद।